सुशील पटेल जिंदाबाद, सुशील पटेल जिंदाबाद। सत्ता के गलियारों से लेकर ग्रामीणों की आवाज तक, जनप्रतिनिधियों के विकास से लेकर जनता की राय, आपके क्षेत्र में असल मायने में कितना हुआ है विकास, देखें हमारी सबसे बड़ी पड़ताल में। अब हर वो खबर दिखेगी जो होगी आपके मुद्दे की, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर विधानसभा क्षेत्र की सही पड़ताल। तो देखिए 2022 विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी पड़ताल, सिर्फ और सिर्फ फास्ट न्यूज भारत पर। चुनाव में तो अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तैयारियां कि कहां तक पहुंची है, क्या रुझान है मरियाव विधानसभा का? हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा सुशील कुमार पटेल नाम है जी। हम बरही नवादा के मूल निवासी हैं। हमारा चुनाव चिन्ह तीर है। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के सिपाही हैं। यही छोटा सा परिचय। और विकास की जो आपने बात किया, हमारे नेता का नाम है विकास गुरु सुशासन बाबू है, उसके आगे कहने की कोई बात नहीं। सर युवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, युवाओं को लेकर आज जो रोजगार का मेन मुद्दा है जी। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो 117 कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही थी जी। आज 6000 के ऊपर कंपनियां, विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही हैं। जब तक इस विदेशी कंपनी को यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, टमाटर की चटनी, पानी से लेके बिस्कुट से लेके साबुन से लेके दाढ़ी बनाने वाले क्रीम से लेके सारा कुछ जब विदेश से आएगा, यहाँ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? ये जब तक संपूर्ण स्वदेशी की तरफ देश नहीं जाएगा, तब तक सरकारी नौकरी उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। हाँ, विदेशी कंपनी को बुलाना चाहिए, यहाँ हमें विशेष टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन आलू की, टमाटर की चटनी बनाने के लिए, आलू का चिप्स बनाने के लिए हमें नहीं बुलाना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा था 1965 में, एक बार गलती कर दिया, मैं 200 साल गुलाम थे, लेकिन अब पुनः हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद सारा एकीकरण टूट गया। चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री थे, 120 वर्ष को प्रतिबंधित करके रखा था, जो गरीब के कारखाने में बनेगा अमीर नहीं बनाएगा। लेकिन आज अमीरी और गरीबी का पैमाना खत्म हो चुका है, इसीलिए छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी आज मरने के कगार पर। चलिए धन्यवाद। विकसित राज्य बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में का एक शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर राज्य बना करके तब हम आगे सोचेंगे कि और इसमें हम आगे सामाजिक व्यवस्था में क्या करेंगे। हमारे यहाँ जैसे जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे यहाँ बाल विवाह का बात चल रहा है, हमारे यहाँ शराबबंदी की बात चल रहा है, इससे क्या होता है? जब हमारे जैसे विधायक जब क्षेत्र में शाम को घूमने जाते थे तो दो चार पियकड़ लोग मिल करके सम्मानित आदमी को इज्जत नहीं करता था, और आज एक भी किसी भी आदमी को हिम्मत नहीं है कि जो शराब पीकर जो हम लोग के साथ दुस्साहस करे या किसी जनता के साथ दुस्साहस करे। चलते चलते सर, सुशील पटेल जी के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे, उनके समर्थन में क्या कहेंगे? हम यही आग्रह करना चाहेंगे जनता से कि सुशील कुमार पटेल एक ईमानदार, समझदार और वफादार पार्टी के कार्यकर्ता है, और समाज के जुनून है इनको समाज के लिए कुछ करने का, इस क्षेत्र को विकसित बनाने का। इसलिए मैं इस क्षेत्र के मरियाऊ विधानसभा के जनता से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि यहां की जनता तीर छाप पर मुहर लगा करके, वोट बटन दबा करके भाई सुशील पटेल को चुनाव जिताएं, और सुशील पटेल आपके खिदमत में खड़ा रहेंगे। बस इतना ही करके मैं अपनी बात। सर एक बार सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं वशिष्ठ सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के एक्स MLA हूँ जी। मेरा घर रोहतास जिला में करघर विधानसभा क्षेत्र में है, और वहीं से मैं पार्टी का MLA रहा हूं, और अभी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। धन्यवाद जी।